नहीं ये फूलों के हार, ये शहर में फैला हुआ मुकद्दस धुआं, ये करवाओ यास की खमासी करने वाली चीज है किसकी? किसी खबर साहब पर यकीन ना करते हो, हम बताते खुद वजह दरियाफ्त करने के लिए यहां पर आए हैं। अमीनी बस इसके नाम का डंका चार आलम में बज रहा है। बहुत बड़ी बुजुर्ग आप ही बताएं पूरा मामला क्या है, किस किसी बात की डर है, किसी चीज की ख्वाहिश है, बिना खौफ व खतर बयान करें। हम संग दिल नहीं है, आपके दरख्वास्त पर जरूर गौर किया जाएगा। इससे पहले कि उसकी मौजूदगी द्वीप की तबाही का बायस बने,
इस सरजमीन को पाक किया जाए। नापाक वजूद सरजमीन को पाक किया जाए, इस आफत की वजह यह खतरा है। खातिर को जलापतन किया जाए या फूल का बदला फूल से लिया जाए। क्या देवताओं ने मकबूल का नाम बताया? हाँ, मकबूल हमारे मरहूम शहनशाह लाज थे जो आपसे पहले यहाँ के हुक्मरान थे। हम जानते हैं, हालांकि हमें उनके कभी दीदार नसीब नहीं हुए। देवताओं का हुक्म है कि लायस से कातिल को सजा दी जाए। अब कातिल को कहाँ तलाश करें? माजी के इस जुर्म की धोती तस्वीर के नकूश कैसे उजागर किए जाए? देवताओं ने कहा है कि ढूंढने वाले को रास्ता मिल ही जाता है। ये नापाक कत्ल यहाँ हुआ या मुंबई के खैर में समझ देते हुए? वो यहाँ से देवताओं की ताजीम के लिए रवाना हुए लेकिन वापसी उनके नसीब में न था। कोई हमसफर नहीं था जिसने ये हादसा देखा हो और जिसका बयान बतौर शहादत इस्तेमाल किया जा सके? सबके सब मारे गए, सिर्फ एक अपनी जान बचाने में कामयाब था, लेकिन वो भी तो काबिले जिक्र बात ना बता सका। कुछ तो कहा होगा, मुमकिन है उसका हल्का सा इशारा ही मंजिल की जानिब रहनुमा ही करे। उसका बयान था कि चंद लुटेरों ने शहनशाह के आदमी पर अचानक हमला कर दिया और सबको मौत के घाट उतार दिया। लुटेरे बताते खुद इतनी हिम्मत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जरूर यहाँ से उसकी सरपरस्ती की गई होगी। हमारा भी यही ख्याल, लेकिन कोई कदम उठाने से पहले ही हम दूसरी आफत में फंस गए। ऐसी कौन सी आफत थी जिसने आपको सरबराह मुल्क की मौत की तफ्तीश से बाज रखा? उस जादूगर ने की पहलियों ने उसने हमें ऐसा उलझाया कि हम किसी भी दूसरी जानी तवज्जो नहीं दे सकते। अब तफ्तीश का आगाज हम करेंगे और तमाम पोशीदा वाकयात को रोज रोशन की मानी मंजरिया पर लाएंगे। अपने फर्ज की याद दहानी के लिए हम भी बस के शुक्रगुजार हैं। और हाँ प्रिया, मरहूम की जानिब जिस तरह तुम अपने फर्ज की अदायगी कर रहे हो हम उसके लिए तारीफ करते हैं। अब हम एक तीर से दो शिकार करेंगे, बाइस के कातिल की गिरफ्तारी और अपनी जिंदगी की हिफाजत। वो दगाबाज कातिल हमें भी अपना निशाना बना सकता है। देवता के ईमान को हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। उठो बच्चों, जाओ और अहले कैंट उसको यहां लेकर आओ ताकि वो कातिल की तलाश में हमारी मदद करे। अब जो कुछ भी होगा वो देवताओं की नजर से ही होगा। हमारी फरियाद सुन,
के कातिल को कैफे करदार तक पहुंचाने के लिए हमें आप सबकी मदद की जरूरत है। हमें कतरबी है, यहाँ के हालात कई लोगों की बातों तक ही महदूद है, जो कातिल की गिरफ्तारी के लिए काफी नहीं है। एक नए शहरी होने के नाते मैं आप सबके सामने ऐलान करता हूं कि अगर कोई राज से कातिल हाथों को जानता है तो वो सामने आ जाए। अगर किसी का शरीर बुरा आदत है तो वो अपने आप को हमारे हवाले कर दे, उसे कोई सख्त सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि उसके जुर्म की संगीनी को नजरअंदाज करके जिला वतन करने का इत्तफाक किया जाएगा। और अगर कोई लाश से कातिल को जानता है तो वो हमें बता दे, वही नाम वही काम का हकदार होगा और तमाम मुल्क उसका शुक्रगुजार होगा। आप सब खामोश हैं, सब खामोश हैं, लेकिन अगर इसके बाद अगर कोई मुजरिम साबित हुआ या जुर्म की पर्दापोशी करता पाया गया, चाहे शहंशाह हो या गदावर, हम ऐलान करते हैं कि हमारी सल्तनत में कोई भी शख्स उसको पनाह नहीं देगा, उसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, उसे पूजा करने और कुर्बानी की रस्मों में शरीक होने की इजाजत नहीं होगी। हम हैरान हैं कि शहंशाह के कत्ल जैसे अहम मसले को कैसे नजरअंदाज किया गया। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब उनकी जगह हम है, उनकी बलि का हमारी शरीक हयात और किस्मत की सितम जरीफी देखिए। बच्चों की पैदाइश की वजह से जिस शख्स के साथ हमारा खूनी रिश्ता कायम हुआ उसी पर यह तबाही नाजिल हुई। अब लड़तेगस के बेटे लाश के कातिल की तलाश हम अपने वालिद की तलाश समझ कर करेंगे। शहंशाह उसको गुस्ताखी हुआ है, मैं आपको यह बता दूं, मैं वो शख्स नहीं जिसको आपने बतवाए हो और ना ही मैं किसी ऐसे शख्स को जानता हूं। ये सवाल दिवस से पूछा गया, अब जानते हैं, लेकिन देवताओं को अपनी मर्जी के मुताबिक बोलने के लिए हम मजबूर नहीं कर सकते। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। दिला खौफ खतर बयान करो। नाट टायरेसियस रिवर से नजदीक ही है, मेरे ख्याल में इस तलाश को हमारी मदद कर सकते हैं। हमने इस बात को नजरअंदाज नहीं किया। क्रियान के मशवरे पर हमने उसे दो बार बुला भेजा है, हमें हैरानी हो रही है कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी। ऐसी अफवाहें? कैसी अफवाहें? हमें भी तो इस बात का इल्म होना चाहिए। सुना था इस दौरान से कुछ कर लिया गया। हाँ, हमने भी ऐसा सुना था, लेकिन सबूत, सबूत कहाँ है? कौन ऐसा बेजगर होगा जो आपकी बदवाएं सुनने के बाद भी सामने आने की हिम्मत करेगा? जो इतना घिनौना काम करते नहीं घबराया, क्या वो चंद अल्फाज से खौफ ज्यादा हो जाएगा? वो देखिए, इलामी डायरेक्टर आ रहा है, सदाकत की रूह और की रस्मी, वो हमें कातिल का पता बता सकेगा। और हमें अपने आप को
और तमाम मुल्क को मौत के चंग से रिहा कर। खूब कहा, लेकिन नकल इंसानी जब बेफायदा हो जाए तो वो भी तकलीफ देह हो जाती। अरे अरे, मैं ये कैसे भूल गया कि अच्छी तरह कौन जानता है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम हमें नाउमीद कर रहे हो बुजुर्गवार। मुझे वापस जाने दे, हम दोनों को अपने अपने कामों का बोझ उठाने में आसानी हो। तुम्हारे इनकार का मतलब होगा तुम्हें मांगे वतन बीच से उल्फत नहीं। मैं देख रहा हूँ इन बातों का अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसीलिए अपनी बात को कहने से गुरेज कर रहा हूँ। देवताओं की कसम, अगर तुम्हें कुछ भी हो, कुछ भी, तो हमें बता दो, हम सब तुमसे दरख्वास्त करते हैं। आप सबको गलत फहमी हुई, मैं आपके और अपने दिलों के पोशीदा राज कभी जाहिर नहीं करूंगा। राज जाहिर नहीं करूंगा, यानी मीरा दानिश्ता इस मुल्क को तबाह हो जाने दोगे। मैं सिर्फ आपको बचाना चाहता हूँ और खुद को भी। अब और कुछ ना पूछे, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अब तुम हमें बिना वजह गुस्सा दिला रहे हो। मुझ पर इल्जाम मत धरो, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। सुनो सुनो इस गुस्ताख की बातें, इसकी बातों से हम तो क्या पूजा देवता भी तेज में आ जाए। ठीक है मैं कभी नहीं बोलूं, फिर भी किस्मत में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। क्या होकर रहेगा बताओ, बताना तुम्हारा पेशा है, क्या होकर रहेगा? आप कितने ही तहस में क्यों ना आ जाए शहंशाह हुजूर, मैं एक नब्ज नहीं पाऊंगा। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इस खत की साजिश में तुम्हारा भी हक था, बल्कि इस खत के जिम्मेदार तुम हो। और अगर तुम्हारी आंखें होती तो हम मेरा सतर ये कहते कि ये गलीज गुनाह तुम्हारे ही हाथों सतत हुआ था। क्या तुम ऐसा करते? दोस्त सुनो, इस सरजमीन को नापाक करने वाले वजूद तुम हो, और तुम्हारे होंठों से निकली हुई बददुआएं तुम पर ही नाजिल होंगी। जानते हो तुम्हारे इन अल्फाज का अंजाम क्या होगा? सच्चाई मेरी मुहाफिज है, मुझे अंजाम की फिक्र नहीं। ये इल्मे नजूम नहीं, सरासर साजिश है। बताओ किसकी तहरीक है ये? तुमने ही मुझे ये सब कहने पर मजबूर। एक बार फिर कहो। जितना कहा क्या तो काफी नहीं? नहीं, कोई शक मशुबा नहीं होना चाहिए, एक बार फिर कहो। तो लो, एक बार फिर सुनो, जिस कातिल को तुम तलाश रहे हो वो तुम ही हो। ये तुम दूसरी बार कह रहे हो, दूसरी बार तुम्हें अपने इरादा के लिए पछताना पड़ेगा। अभी गुस्सा जुनून की हद तक नहीं पहुंचा। हाँ, गुस्सा जुनून की हद तक नहीं पहुंचा। कह दो, तुम सब कुछ कह दो। तुम अभी अंधेरे नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम एक गुनाह आलू जिंदगी पसंद कर रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है कि इन अल्फाज के बाद भी तुम बच निकलोगे? सच्चाई में अगर ताकत है तो मैं यकीन में बच। सच्चाई में ताकत है, लेकिन तुम जैसे अहमक बेहया बेशर्म के लिए नहीं। मैं काबिले रहम इंसान, एक दिन ये सब तुम्हारे लिए कहा जाए, और तुम्हारी तनाजली मेरे हाथों से नहीं बल्कि अपोलो के हाथों से होगी और यकीनन होगी। समझा समझा, तो ये काम क्रियान का है? नहीं, क्रियान भी नहीं, तुम बजाते खुद अपने दुश्मन। क्या ये जरूरी है कि शाही खानदान के अफराद एक दूसरे से हसद करें? क्या हमारा बेहतरीन और काबिल एतमाद दोस्त क्रियान हम पर छुपकर वार कर रहा था? क्या वो इस आग के अंधे नाम के नैसों के साथ साजिश में शरीक होकर हमारे तख्त पर काबिज होना चाहता है? उस वक्त तुम्हारा इल्म नजूम तुम्हारे वो परिंदों की परवाज से तकदीर और कहा बताने वाली कारगर्दी कहां थी, जब उस सहरा के पहलियों ने सबके सरों पर आफत डाल रखी थी, जब वो जादूगरी मौत का साया बनकर सबके सरों पर छाई हुई थी, तब तुमने क्यों नहीं अपने इंसानी से वही पहलुओं का हल बताया? क्यों इस साफ साफ करने वाली जुबान पर ताले पड़े रहे? हम इडिपस ना समझ, इडिपस हमें एक नजूम से नहीं, ना ही परिंदों के पर गिनकर, बल्कि अपनी आंखों से उस पहले का हल करें। और
और तुम हमसे ही छुटकारा पाना चाहते हो ताकि शहंशाह क्रियान के मौत अभी खास कहला सको। हाँ, लेकिन याद रखो तुम्हें और इस साजिश के सरबराह को पछताना पड़ेगा। आप अच्छा नहीं, हमें इस वक्त देवताओं के उनके ताबे की तरकीब सोचनी चाहिए। मैं तुम्हारी शहंशाही से इनकार नहीं करता, लेकिन खुदावंद ताला के हुजूर में तुम दोनों बराबर हैं। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं और ना ही क्रियान मेरा सरपरस्त है, सिर्फ नोसिस का खिदमतगार। तुम मेरी नाबीनाई का मजाक उड़ाते हो, लेकिन तुम आंखें रखते हुए भी अपनी तबाही नहीं देख सकते। तुम्हारी आंखें हैं, लेकिन तुम नहीं देख रहे कि तुम किसके साथ जिंदगी गुजार रहे हो। सुनो सुनो मेरे शहंशाह, मैं बताता हूं, तुम गुनाहगार हो, तुम नहीं जानते। तुम्हारे माँ बाप की बददुआएं तुम्हारी तलवार की तरह तुम पर काम कर रही हैं। वो तुम्हें इस सरजमीन से उठाकर बाहर फेंकेंगे। ये रोशनी से चमकती हुई आंखें अंधेरों में डूब जाएंगी। जब तुम अपनी पुल मुसर्रत असदवासी जिंदगी के बारे में जानोगे और सोचोगे कि जो बच्चे आज तुम्हें अपना वालिद कहते हैं, तुम उनके क्या हो, उस वक्त तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, लेकिन कोई तुम्हारी आवाज सुनने वाला नहीं। तुम अभी इस तकलीफ का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम आज मुझ पर और क्रियान पर इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन याद रखो एक दिन तुम तबाही और बर्बादियों की अभी गहराइयों में जाओगे। तुम हमारी कुव्वतें बर्दाश्त के हदों से आगे बढ़ रहे हो। चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना। चला जाऊंगा। मैं खुद नहीं आया था, तुमने ही मुझे बुलाया। हमें अगर पता होता कि हमें एक पागल की बकवास सुननी पड़ेगी तो हम तुम्हें यहां तक कितना बुलाते। क्या पागल? तो तुम मुझे पागल समझ रहे हो, लेकिन तुम्हारे वालिदैन तो ऐसा तसव्वुर तक नहीं करते। क्या कहा वालिदैन? आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का दिन और मौत का भी। पहली अमर बुझाओ, साफ साफ कहो। लेकिन तुम तो पहलिया पूछने में अपना सानी नहीं रखते। अब तुम हमारी हंसी तंज कर रहे हो। वो तुम्हारी बदकिस्मती है और बर्बादी का बायस। हम तुम्हारी बेचारी पर तंज खाकर तुम्हें माफ करते हैं। मैं तुम्हारी माफी का तलबगार नहीं, मैं बिला खौफ और खतर सब कुछ कह चुका। और एक बात फिर कहूंगा कि जिस आदमी की तलाश में तुम जमीन और आसमान एक करने की सोच रहे हो, वो यहीं पर मौजूद है। इस वक्त हम उसे एक अजनबी समझ रहे हैं जो कुछ अरसे के लिए यहां पर आया हो, लेकिन वो ही इब्तदाई बेटा निकलेगा। वो जो चमकती हुई आंखें लेकर आया था लेकिन अंधेरों में डूब कर जाएगा। वो जो एक दौलतमंद की शक्ल में आया था, एक भिखारी की तरह डंडा हाथ में लेकर अपना रास्ता टटोलते हुए जिला बद्दी की जिंदगी बसर करने के लिए जाएगा। आप अभी देखेंगे वो अपने ही बच्चों का भाई साबित होगा, अपनी ही मां का खाविंद निकलेगा और अपने ही वालिद का कातिल होगा। जाओ और जाकर सोचो, जब मुझे झूठा साबित कर सको तभी मुझे अंधा कर। जाओ ले जाओ, तभी मुझे अंधा कर। नहीं तो जीएस की नूरानी ताकतें उसको जलाकर खाक कर देंगी।
बदकिस्मती उसको घेरे खड़ी है। देवताओं की ऊंची और बर्फीली पहाड़ियों से एक रूपोश इंसान की तलाश का हुक्म आया है, लेकिन वो कहाँ है? वो जंगलों की खाक छान रहा हो या गारों में पनाह ले रहा हो? डेल्फी से आने वाली देवताओं की आवाजें उसके कानों में गूंज रही हैं। टायरेसिस ने बहुत ही खौफनाक बातें की हैं, उन पर यकीन करने को जी नहीं चाहता, लेकिन इनकार भी कैसे करें? एक अंधेरे की दीवार दरमियान में फासल है। क्या कभी लेडेकस के खानदान और पोलिबस के बेटे में झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से एडिपस का नाम इस मौत के सिलसिले में लिया जा रहा है? जब तक जुर्म साबित नहीं होता, मैं किसी को मुजरिम मानने के लिए तैयार नहीं। एडिपस ने माफू कुल फितरत साहिदा का डटकर मुकाबला किया, इस मुल्क को तबाही से बचाया, तो मैं उसे कैसे बुरा समझूं? जिंदगी के तमाम पोशीदा असरार सीएस और अपोलो ही जानते हैं। क्या मैं शाही रुतबे में तीसरा बराबर का हकदार नहीं?
बराबर के हकदार हो और इसीलिए मुजरिम साबित होते हो। लेकिन मैं मुजरिम नहीं हूं। जरा सोचो, कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो शहरचाओ जैसी पुरानी जिंदगी बसर करते हुए इस तत्वदान की जिम्मेदारी को रखने की कोशिश करेगा? नाम का शहंशाह बनने की ख्वाहिश मेरे दिल में कभी नहीं आई, और फिर इस वक्त तुम मेरी तमाम जरूरियात पूरी करने के लिए मौजूद हो। अगर मैं शहंशाह होता तो तमाम लोगों की फिक्र और परेशानियां मुझे थका देती। मैं भला कांटों का दाज पहनने की कोशिश क्यों करने लगा? मैं जिस हाल में हूं उसी में खुश हूं। मैं सबका दोस्त और सब मेरे दोस्त हैं। जब भी किसी तुम से मिलना होता है वो मेरे पास आता है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि उन्हें मेरे पास आने से जरूर कामयाबी हासिल होगी। मैं उन लोगों का बेताज बादशाह हूं, और धोखा देना मेरा सेवा नहीं, ना ही मेरे किसी दोस्त का। और अगर मेरी सच्चाई परखना चाहते हो तो पहले पैथियन दरगाह से मालूम करो कि जो पैगाम मैं लाया था वो ठीक है या नहीं, और दूसरा किसी भी तरह डायलिसिस के साथ मेरा ताल्लुक साबित करो। फिर चाहे तुम मुझे सजाए मौत की क्यों ना दो, मैं बखुशी कबूल करूंगा। लेकिन मेरी गैर हाजिरी में उस पर इल्जाम, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बेगुनाह इंसान को मुजरिम समझना और एक बुरे इंसान को अच्छा समझना बजाते खुद एक संगीन जुर्म है। एक वफादार दोस्त को दुकान का अपनी जिंदगी को दुकानने के बराबर है। और हाँ, ये वक्त ही बताएगा कि सच्चाई क्या है और मुजरिम कौन है। वजह फरमाया, आवारा ख्यालात ज्यादा कारामद नहीं होते, लेकिन हम एक साजिशी को उसके मकरूह इरादों की तकमील के लिए आजाद नहीं छोड़ सकते। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे सलामत करो। नहीं, तुम्हें सजाए मौत की चाहिए। लेकिन मेरा जुर्म, मैं जानता हूं तो तुम्हें हो। हम गलती पर हैं, तुम सही रास्ते पर। अपनी नजरों में, मेरी नजरों में तुम साजिशी हो। अगर तुम गलती पर हुए तो शहंशाह को बहरहाल हुकूमत करनी है, लेकिन एक बेइंसाफ शहंशाह को हुकूमत करने का कोई हक नहीं। सुनो सुनो मेरे शहर ठीक के लोगों, इसकी बर्दाश्त सुनो। तुम्हारा शहर क्या है? मेरा शहर नहीं। बस दीजिए मेरे मालिक, बस दीजिए। वो देखिए पनीता योगास्ता आ रही है, शायद वो इस झगड़े का फैसला कर सके। हम लोग क्यों झगड़ रहे हैं? हम लोगों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं कि मुल्क किस वक्त मुसीबत में है, और आज आप अपने साथ झगड़े में फंसे हुए हैं। मेरे सरदार जी, आप अंदर चलिए, और अद्रियान तुम भी जाओ। क्यों छोटी सी बात का मतलब बना रहे हो? ये छोटी सी बात नहीं बहन, तुम्हारा शहर ये बस मुझे सदाए मौत दे रहा है। इसने हमारे खिलाफ साजिश की है। अगर ऐसा मैंने कुछ किया हो तो देवता कसम मुझे जिंदगी भर चैन नसीब ना हो। माफी चाहूंगी कि बस खुदा के लिए मान जाओ, उसकी कसम पर यकीन करो। मान जाइए बता परवर, आप ही मान जाइए। ऐसे यकीन कर लें कि ये मुझे नहीं है। मैं आज तक आपके सामने झूठ नहीं बोला, और की देवताओं की कसम। जानते हो किसकी सिफारिश कर रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ। मैं यकीन नहीं आता। उसने दोस्ती की कसम खाई है, जान मेहमानी अंदाज के लिए एक दोस्त को छोड़ देना अच्छी बात नहीं। तुम भूल रहे हो उसकी रिहाई हमारे लिए बहुत कबाइस होगी। आप इस ख्याल को दिखने निकाल दे हुजूर, इस वक्त हम जिस मुसीबत में गिरफ्तार है उसकी फिक्र करें। हम जानते हैं इसकी रिहाई हमारे लिए मौत की सिला बनती होगी, फिर भी हम इसे रिहा करते हैं। लेकिन हमने इसे दिल से माफ नहीं किया, हम इससे बेहद नफरत करते हैं। बिना वजह गुस्सा और मजबूर होकर रहम करने वाला इंसान मुश्किलात में ही पड़ता है। ले जाओ यहां से। जा रहा हूं, लेकिन यह मत भूलो कि तुम मेरे साथ अनसाफी कर रहे हो। ये सब कैसे? बेमतलब अंदाजों और बेबुनियाद इल्जामों से झगड़ा शुरू हुआ। क्या दोनों ही एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे? जी हाँ। किस बात? ये मत पूछो, बड़े बूढ़े उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। तुम आसानी से दुनिया में अमन का पैगाम पहुंचा सकते हो? हम पर यकीन कीजिए कि हम बेवकूफ हैं।
जो आपके मजबूत बाजू के सारे शब्द से महरूम होने की कोशिश करेगी, जबकि हम जानते हैं कि आपने पहले भी हमें एक बार जिंदगी अदा की और अब फिर हमें मौत के मुंह से बचा है। मुझे भी तो कुछ मालूम हो कि आपके लिए मैं इतनी नफरत किस लिए? हम बताएंगे अपने अजीज मलिका को, हम बताएंगे। मजबूत सरासर क्रिया उनका है, वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा था। साजिश कर रहा है? कैसी साजिश? वो हमें दाइश का कातिल बना रहा है। उसकी अपनी राय है या किसी और के कहने पर? यही तो उसकी चालाकी है, उसने एक बदिमाग इल्हामी को अपना आलाकार बना रखा है। बस इतनी सी बात, आप ही ना खास चुके वो तो क्या कोई भी देवताओं के असरार नहीं जा सकते। इस बात का जिंदा सबूत मेरे पास है, आप दिवस के देवताओं ने और लाइस के अपने सलाहकारों ने पेशीन गोई कि उसकी मौत उसके अपने बेटे के हाथों हो, उसके और मेरे बेटे के हाथों। लेकिन उस पेशीन गोई का क्या हुआ? सब जानते हैं लाइस को चंद लुटेरों ने वहां कत्ल किया था जहां तीन रास्ते मिलते हैं। और बच्चा वो अभी 3 दिन का भी नहीं था जब उसके पांव में मेरी डालकर नंगी पहाड़ियों पर मरने के लिए उसने भिजवा दिया था। अपोलो ने भी ऐसा नहीं सोचा। उस बच्चे ने तो अपने मालिक को मौत के घाट नहीं उतारा और ना ही लाइस अपने बेटे के हक को मारा गया। ये पेशी हुए करने वाले ऐसे ही बढ़ जाते हैं, आप उनकी परवाह मत कीजिए। वक्त आने पर सच्चाई जाहिर हो जाएगी। तुम्हारी बातों से हमें फिक्र लाहक हो गया है, मेरे दिल में खौल उठ रहा है। क्या हुआ जाता ना? अभी तुमने कहा ना हम 3 रास्ते मिलते हैं, वहां लॉयस का खत हुआ था। हाँ, सुना तो ऐसा ही। कहां पर? किस मुल्क में? कोसिस की सरजमीन जहां से डेल्फी और डॉलिया के लिए रास्ते निकलते। कितना अरसा हुआ? आपकी आमद से कुछ अरसा पहले ही हमें इस वारदात आई। क्या होता है, ये सब क्या होता है? मीटिंग बस मेरे सरताज, आप परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं, बस ये बताओ, बस ये बताओ लाइस कैसा आदमी था, उसकी उम्र कितनी थी? वो आप जैसे के वजीर इंसान क्यों जाने में मैंने अपने आप को हिम्मत दुमाई दी है। मेरे सरताज, आप तो मुझे डरा रहे हैं। मेरे यकीन के लिए एक बात और बताओ। एक कंजाना खौफ मेरे एहसास पर छा रहा है, फिर भी मुझे जो मालूम है वो सब बताऊंगी। लॉयस के साथ चंद आदमी थे या पूरा हिफाजती दस्ता था? मेरे साथ सिर्फ 5 आदमी और एक ही गाड़ी। हाँ, एक सरदार अडवाणी कर रहा था। अब शक्ति कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। यह सब तुम्हें किसने बताया? एक गुलाम ने जो बचकर आ गया था। क्या अभी वो महल में है? नहीं, जब वो वापस आया और आपको मजबूत शहनशाह के तख्त पर पाया तो उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा कि उसे शहर से आंखों की दूर देहात में गाड़ियों की जिंदगी बसर करने की इजाजत दी जाए। मैंने उसे इजाजत दी। अगर वो इससे बड़ी मांग भी करता तो मैं उसे जरूर पूरा करती। वो एक अच्छा गुलाम था। क्या उसे दोबारा यहाँ बुलाया जा सकता है? हाँ, बुला सकते हैं, लेकिन आप उसे क्यों पूछ रहे हैं? लगता है मैंने अनजाने में अपने आप को बहुत सारी बदनामी दे दी है। अब मैं जल्द उस गलती से मिलना चाहता हूँ। मैं अभी उसे बुला लूंगी, लेकिन उसके आने का क्या, अपनी परेशानी की वजह नहीं बताएंगे। वाकयात की जो कड़ियां मेरे जहन में उभर रही है उसके मद्देनजर अपनी जिंदगी के हालात तुम्हें बता देना लाजिम हो गया है। मेरे वालिद पोलिमस कोरिंथियन थे, वालिदा मेरोपेटोरियन थी। मेरी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से हुई थी, लेकिन एक दिन एक अजीब सी वारदात मेरे साथ हुई। या शायद मैंने ही उस वाकये को ज्यादा तरजीह दे दी।
वाकई ये था कि एक रोज मैं चंद दोस्तों के साथ शगले बनोशी में मसरूफ था, शराब के नशे में धुत। एक दोस्त ने कहा कि मैं मुरीबस का बेटा नहीं हूं। मुझे सुनकर बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया। अगले ही रोज मैं अपने वालिदैन के पास पहुंचा और उनसे हकीकत करे अपनी। वालिदैन सुनकर बहुत बरहम हुए और बोले, किसकी ऐसी मजाल जो ऐसे बेबुनियाद किससे कहता फिरे। तब जाकर मेरे दिल को सुकून पहुंचा, लेकिन एक खलीश सी मेरे दिल में बाकी रही। मैं अपने वालिदैन को बताया, मेरा ही पाई को चला गया, लेकिन वहां से मेरा उम्मीद होकर वापस आया। वहां पर अपने सवालों के जवाब मिलने के बजाय भयानक और तकलीफ देह किस्सा सुनाई पड़ा कि कैसे मैं अपने वालिद का कत्ल करूंगा और कैसे अपनी वालिदा को अपनी शरीके हयात बनाऊंगा। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा और मैं कोरिंग से फरार हो गया। गर्दी से आफात मुझे उस जगह ले आई जहां बारिश की जिंदगी मौत की आगोश में सो गई। मैं सच कह रहा हूं, जो रास्ता मैं जब वहां पहुंचा जहां तीन रास्ते मिलते हैं, मैंने सरदार को देखा। उसके पीछे एक घोड़ा गाड़ी थी और उसके अंदर उसी शक्ल शबाहत का इंसान बैठा था जिसका जिक्र तुमने अभी किया था। गाड़ीवान ने बहुत बदतमीजी के साथ रास्ता छोड़ने को कहा। अंदर बैठे उसके मालिक ने भी तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं जब उसके पास से गुजरा तो गाड़ीवान ने मुझे धक्का दिया, तो मैंने गुस्से की शिद्दत में उसे मार गिराया। अंदर बैठे उसके मालिक ने एक तेज धारदार हथियार से मुझ पर वार किया। मैं उस वार से बच गया, लेकिन अपने डंडे का एक भरपूर वार उसके सर पर दे मारा और वो गाड़ी से लुढ़क कर नीचे आ गिरा। और गुस्से की शिद्दत में मैंने उसके तमाम साथियों को मौत के घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया। अगर मकतूल अजनबी की रगों में बहने वाला खून वायस का था तो मुझ जैसा बदनसीब इस दुनिया का और कौन होगा जिससे उसकी शरीक है हयात को छुआ। मेरे यहां गुनाहगार है, मैं गुनाहगार हूं, मेरा पूरा वजूद गुनाहगार है। मैं अपने घर से दूर, वालिदैन से दूर, इस सरजमीन से दूर चला आया ताकि अपने वालिद के खून से अपने हाथ ना रंगू और अपनी वालिदा से शादी ना कर सकूं। कौन है वो जालिम देवता जिसने मेरी ऐसी तकदीर लिखी है? आसमानी ताकतों, जैसे कि आने से पहले मुझे समाए हस्ती से मिटा दो। शहंशाह हुजूर, आपके अल्फाज बहुत भयानक है, लेकिन आपको गवाह के मुंह से सच्चाई सुनने से पहले नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हाँ, अब एक ही सहारा रह गया, गडरिये का इंतजार। वो कैसे आपकी मदद कर सकता है? उसका बयान अगर तुम्हारी कहानी के मुताबिक हुआ तो मैं इल्जाम से परी हो जाऊंगा। कैसा बयान? मैंने क्या कहा? लुटेरों ने लाश का कत्ल किया था। अगर उसने अभी यही कहा तो मैंने कत्ल नहीं किया, क्योंकि एक इंसान हरेक नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसने एक राहगीर का जिक्र किया, एक राहगीर का जिक्र किया तो मेरे बचाव की कोई राह नहीं होगी। वो कोई शर्म मेरी ही जानिब होगा। लेकिन उसने यही कहा था, तमाम शहर के सामने उसने कहा था, कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर वो अपना बयान बदल भी दे तो भी वो ये नहीं कह सकता कि लाइस की मौत पेशीन गोई के मुताबिक हुई, क्योंकि लोक्सिस ने कहा था मेरी कोख से जिंदगी पाने वाला बच्चा करेगा। मेरे बच्चे ने तो उस पर हाथ नहीं उठाया, वो फिर भी मर चुका है। लाना था रूहानी ताकतों पर, अब मैं कभी उन पर एतबार नहीं करूंगी। ठीक है जी, ठीक है जी, लेकिन फिर भी हम उस गडेरे से जरूर मिलना चाहेंगे। आप अंदर तशरीफ लीजिए।
कोली बस वफात पा गए। क्या कहा? वफात पा गए?
ईडिपस के गालिब को फांद पा गए। हाँ मोहतरमा। बहुत खूब, बहुत खूब। है पनीस, जाओ, जाओ अपने मालिक को ये खबर सुनाओ। कहाँ है वो रूहानी ताकत? वो अल्हाम करने वाली ताकत। आए, देखे आकर, ईडिपस आज तक जिस शख्स से दूर भागते रहे, कहीं उन्हें कत्ल ना कर दे। वो शख्स वफात पा गया है। सुनो, वो ईडिपस के हाथों कत्ल नहीं हुआ, बल्कि खुद बखुद मौत की आगोश में जा सोया है। शुक्रिया। जाने मन योगास्ता ने हमें क्यों याद फरमाया? कौन है ये शख्स और कैसी खबर लाया है? जिसने मेरी रातों की नींद खराब कर रखी है। मैं वसाओ से कहता हूं जनाब,
आपके तमाम खदशात बेबुनियाद। अगर मैं उनका फर्जंद हूं तो ये खदशात बेबुनियाद कैसे हो सकते हैं? यूनिवर्स से आपका कोई रिश्ता नहीं है यार। कोई रिश्ता नहीं है तो क्या मैं उनका बेटा नहीं हूं? माफ कीजिए, अगर आप मेरे बेटे नहीं हैं तो उनके भी नहीं। जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? ये यही, जैसे मैं आपका वालिद नहीं हूं वैसे ही कोलीबस भी आपके वालिद नहीं है। तो फिर हमें उनका लगते जिक्र क्यों कहा जाता था? मैं बताता हूं, मैंने ही आपको उनके हवाले किया था। हवाले किया था? वो तो मुझे जान से ज्यादा अजीज रखते थे। उनके और कोई औलाद था? मैं आपको कहीं बड़ा मिला था? आप हिजरोन के वीरान जंगलों में पाए गए। आप वहां कैसे पहुंचे? मैं वहां भेड़ चला रहा। तो आप गडरिये का काम करते थे? जी हाँ, मैं गडरिया था। और खुशकिस्मती से आपकी जिंदगी बचाने वाला भी। मैं कहीं बड़ा मिला था या मुझे खरीदा गया था? आपके पांव भेड़ियों में जकड़े हुए, मैंने आपको आजाद किया। या खुदा, या खुदा, किसका काम था ये? तो वही बता सकता है जनाब जो आपको मेरे पास लाया। आपके पास लाया था तो क्या मैं आपको नहीं मिला था? नहीं जनाब, ये एक और गडरिया आपको मेरी हिफाजत में छोड़ गया था। कौन था वो? क्या आप जानते हैं वो कौन था? वो शायद वैस साहब ही था। वैस मरे मरहूम शहनशाह? हाँ, वो लॉयस का ही नमक खोर था। क्या अभी वो जिंदा है? क्या उसको यहाँ बुला सकते हैं? यहाँ के लोग बेहतर जानते होंगे। आप लोगों में कोई है जिसने उस गडरिये को देखा हो जिसका जिक्र ये कर रहे हैं? अगर आपने उसको कहीं भी देखा हो, खेतों में, खलियानों में या शहर की फसील के अंदर, तो हमें बता दो हमें। अब इस ससुराल से पता उछले ही वाला है। मेरे ख्याल से ये चरवाहा और वो देहाती दोनों एक ही शख्स है जिसको आपने पहले ही बुला भेजा है। मल्लिका आलिया ही उसकी निशानदेही कर सकेगी। मेरी वरिदा बताइए कि आप आने वाले शख्स को जानती है जिसका जिक्र ये कर रहे हैं? उस बात से क्या फर्क पड़ता है कि किसका जिक्र कर रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कुछ ने कहा है वो आप भूल जाएंगे। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। भाईयाद हम इन फकीर की संगीत की अगली कड़ी तक देखेंगे और अपनी पैदाइश का राज जरूर उत्साहित करेंगे। लेकिन तुम्हारे ऊंचे खानदान पर कोई हर्फ नहीं आएगा। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ इस प्यार को यहीं पर छोड़ दें। कुछ नहीं, मैं सदा जानना चाहता हूँ। मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ। बहुत अरसे तक मैं भलाई और नेकामी से डरता रहा, लेकिन अब नहीं। बदकिस्मत इंसान, खुदा करे जाओ और उस गडरिये को यहां लेकर आओ और इस औरत को अपने खानदान की नेकामी पर फख्र कर ले दो। भटके हुए बदनसीब इंसान, मत भूलना तुम्हारे लिए मेरे आखिरी अल्फाज। कितना ही खौफनाक और डराना वाकया क्यों ना हो, लेकिन हम ये जरूर जानेंगे कि हम कौन हैं। अगर मेरे अंदाजे गलत नहीं तो कल का चांद हमारे मालिक की पैदाइश के राह से वाकिफ हो चुका होगा। वादिये किथरौन की तामीज के गीत हमारे नवों पर होंगे क्योंकि वही हमारे वालिद की मादाई और कमजोरी थी।
क्या एडिपस किसी आसमानी रूह की औलाद है जो किसी पहाड़ी दोस्तीजा की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई? क्या वो देवताओं की ही औलाद है? क्या डायोनिसस के दस्ते मुबारक ने उसे जिंदगी बख्शी थी? हकीकत जो भी हो, अभी मंजरे आम पर आ जाएगी। वो गरीब बुजुर्गो, वो शायद गडरिया ही चला रहा है। हमने उसको पहले कभी नहीं देखा। वो हमारे कोई इंसान वाले दोस्त का हम उनका और हमारा सुन नजर आता है। हमारे इंसानी उसको ला रहा है, यकीन वही होगा। अगर आप लोगों में से पहले उसको किसी ने देखा है तो आप लोग उसकी शिनाख्त कर सकते हैं। लायस के
बच्चा था। गुलाम था या गायस का अपना खून मुझे बताना ही पड़ेगा। हाँ बताना ही पड़ेगा। मुझे तो यही कहा था कि ये उसी की औलाद है। मलिका आलिया इस बात की तस्दीक कर सकती है। बजाते खुद उसने वो बच्चा तुम्हारे हवाले किया था। हाँ मालिक। किस इरादे से? उसको खत्म करने के इरादे से। माफ कर। हाँ मालिक। उन्होंने कहा था इस बच्चे पर बदुआओं का असर है। कैसी बदुआ? यही कि ये अपने वालिद का कातिल होगा। वो बच्चा तुमने इतने हवाले किया? बच्चे को मौत के घाट उतारना मेरे बस का नहीं था। मैंने शख्स के हवाले कर दिया ताकि ये इसे तू अपने वतन के जाए। और अगर वो तुम ही हो तो तुम जैसा बदनसीब और कोई नहीं। जो कुछ भी अब तुम लोग
अप्रूव काम किए गए हैं उनकी विरासत को ईस्टर या फासिस के मुकद्दस पानी भी साफ नहीं कर सकते। जो कुछ देख और सुन चुके हैं उससे ज्यादा रुलाने वाली बात और क्या होगी। मनिका ये आर्या वफात पा गई। ओ बोलिए औरत उसने अपने हाथों अपनी मौत को गले लगाया। ओ खौफनाक मंजर आप लोग कितनी खुशकिस्मत हैं जो आपने उसके अंजाम को नहीं देखा। लेकिन मैं मुकद्दर का मारा उसकी मौत के मंजर को कैसे भुला सकूंगा। जज्बात के तूफान में बहती हुई अंदर आई और पागलों की तरह अपने बालों को जकड़े हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। वो चीख चीख कर मरहूम लायस को पुकार रही थी। चीख चीख कर अपने मासूम बच्चे के बारे में बताने लगी जो अपने ही वालिद का कातिल था, जिसने अपनी ही माँ के साथ हम बिस्तरी की, जिसको उसने जन्म लिया उसको मैं अपने बच्चे को पैदा किया। जालिम किस्मत ने बेचारी पर दोहरा मार किया, खाविंद से खाविंद मिला और बेटे से बेटा। मैंने बस इतना ही सुना, उसकी मौत का मंजर मेरी नजरों से छुपा हुआ था और उसी वक्त शहंशाह चिल्लाते हुए अंदर आए। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे तलवार दो हमें, तलवार दो हमें। कहाँ है वो बीवी जो मेरी बीवी नहीं सरजमीन है, जहां पर मैं एक पौधे की तरह बोया गया था और जहां से मैंने खुद ही फसल काटी। वो गुस्से में बड़बड़ा रहे थे, मालूम होता था उनमें कोई शैतान उतर आया। कोई भी ये ना बता सका कि मलिका आलिया कहाँ है। वो खुद ही बंद दरवाजे को टक्कर मारने लगे, उनकी चोट से दरवाजा उखड़ गया और हम सब हैर तो खौफ से देख रहे थे। मलिका आलिया की लाश रस्सी से बंधी हुई झूल रही थी। शहंशाह ने भी उसे देखा, उनके मुंह से एक लंबी कर्बलाप चीख निकली और फिर दीवाना बार आगे बढ़कर उन्होंने रस्सी को खोला। लेकिन दर्दनाक मंजर की और बातें थी। मलिका आलिया के निवास में सोने का कांटा लगा हुआ था। शहंशाह ने उसे निकाला और एक हाथ के फासले से उसे अपनी आंखों में घोंप दिया। उन आंखों में जो उसकी बेशर्मी और बेचारगी नहीं देख सकती थी, अब वो ना तो उन्हें देख सकती थी जिसे नहीं देखना चाहिए था और ना ही वो देख सकती थी जिसके दीदार की तमन्ना उसके दिल में थी। उन्होंने बार बार अपनी आंखों को कांटों से छेदा, उनकी आंखों से फूल खून के फवारे उभरने लगे, सुर्ख सैलाब की तरह उसके चेहरे पर फैल गए। वो दोनों गुनाहगार थे, एक औरत और एक मर्द। गुनाह की सजा उन दोनों को मिल गई। कल तक उनकी जिंदगी में खुशी थी, शादवानी थी और आज तबाही, बर्बादी, मौत और जितनी भी लानतें होती है उन पर बरस रही थी। शहंशाह कैसे हैं?
रास्ता खोल दो और दुनिया को दिखाओ अपने वालिद का कातिल कैसा होता है, अपनी ही मां का साबिंद। अफसोस, मैं वो सब कुछ नहीं कह सकता। वो अपने ही होटल से निकली हुई बदुआओं को पूरा करने के लिए इस मुल्क से बाहर चले जाएंगे, लेकिन अभी वो ऐसा कर सके उनमें इतनी हिम्मत नहीं। ये सदमा, ये चोट, ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है। दरवाजा खुल रहा है, बेचारगी की एक तस्वीर आने वाली है जिसे आप लोग हकारत के साथ नहीं रहम के साथ देखेंगे। Yeah,
मुझे छोड़िए सदा के घोड़े से, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए। क्या आ रहा है इस दास नौके पर? कोई हमारी उम्र का मरकज है, कोई आपकी ख्वाहिश को नहीं कर सकता है। मैंने उसके साथ कितनी ज्यादती की है, अब मैं भला उसे किस मुंह से कहूं? बस मैं तुम्हारी तनाजरी का मजाक उड़ाने नहीं आया, ना ही तुम्हें दोस्त में आया। मेरे दोस्तों, मखलूक के इंसान का ना सही फसीम तावलाम ताकत का ख्याल करो जो हमारे ऊपर रोशन है और हमें जिंदगी देती है। माना किस नापाक वजूद को कोई पनाह नहीं देगा, लेकिन हम इसकी मुसीबत और गमों में शरीक हो सकते। इसे अंदर ले चलो। मेहरबान दोस्त, मेहरबान दोस्त, एक इल्तिजा है, मुझे ना कोई डर कर रहा, इसमें तुम्हारी भी भलाई होगी। मुझे इसी वक्त इस सरजमीन से दूर, इस चश्मा है इंसान से दूर कहीं और भेज दो। ऐसा कभी का हो चुका होता, लेकिन मैं देवताओं के हुक्म का इंतजार मुझ जैसे गुनागार बदनसीब के लिए देवताओं के हुक्म का इंतजार किया जा रहा है। क्या आप भी उसकी ताकत पर यकीन नहीं है? सही कहते हो, एक अर्थ और है, एक अर्थ और है। वो जो अंदर पड़ी है तुम्हारी बहन, उसकी आखिरी रसूमात उसकी शायशाना हो, मुझे सुनसान पहाड़ों पर जिंदगी की बंदिशों से आजाद होने दिया जाए। क्रियान, 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 मैं अपने लड़कों की जानी से बेफिक्र हूं, वो जिंदगी में अपनी राह इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन उन मासूम बच्चियों को जमाने की गर्म सर से महफूज रखना। पल भर के लिए मैंने उनको अपने आप से जुदा नहीं किया। क्रियान, क्रियान, अगर इजाजत हो तो एक बार मैं अपने बच्चों को छू सकूं, अपने दिल के गुबार अपने आंसुओं से ठंडे कर सकूं। क्या मेरी जिंदगी की आवाज सिसक रही है? क्या वो यहाँ है? क्या रहे दिल क्रियान ने उन्हें यहाँ बना लिया है? अब बोलते क्यों नहीं, क्या वो यहाँ है? हाँ, मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया। मैं जानता था तुम उनसे बहुत मोहब्बत करते हो। इसका हिस्सा आपके लिए खुदा तुम्हें जगह देगा क्रियान, जगह देगा। आओ बच्चों, आओ आओ, अपने बदनसीब भाई के हाथों को छुओ, अपने बदनसीब भाई के हाथों को छुओ, जिन हाथों ने तुम्हारे पालित की आंखों में अंधेरे भर दिए हैं, जो आंखें हो तो भी नहीं देख सकता था कि वो क्या कर रहा है। मुझे तो आने वाले दिनों का सेना तर पा रहा है, जब चारों तरफ खुशी और बसरत के हंगामे होंगे, तब ससुरों की महफिलें होंगी, लेकिन तुम उन सबसे बेनियाज करवायाज की तस्वीर बनी घरों में रहोगी, और जब तुम ब्याह के लायक हो जाओगी तो कौन होगा जो इस दादे रसवाई जाने के बावजूद तुम्हें अपनाने को तैयार होगा? सब यही कहेंगे कि ये उसकी बेटियां हैं जो अपने वालिद का काबिल है, और जिसने अपनी मां के साथ हम बिस्तरी की। कौन होगा मेरी बच्चियों, कौन होगा जो तुम्हें अपने शरीर के हवाले कराएगा? कोई नहीं होगा, तुम काया कैसे ही कवारी रहोगी, ऐसे ही कवारी रहोगी। क्रियान, क्रियान, अब तुम ही की जिंदगी के अमान हो, ये बेचारे मेरी रात दर दर भटकते ना पाए, इनका अपना घर हो, इनका अपना कुनबा हो। ये अभी नाबालिग है, ये अभी नाबालिग है, अब तुम ही इनकी जिंदगी के अमान हो। वादा करो, वादा करो मेरे दोस्त, वादा करो।
को सिखाएगी। हमेशा मुझसे बेहतर जिंदगी की खुदा से दुआ मांगना। बहुत हो चुका, या तो मंदिर चलोगे। मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम इंतजार आ जाते ना, मुझे बुल पत्थर कर लेगा। इसका फैसला देवता करेंगे, मैं नहीं। कोई देवता मेरे हक में नहीं बोलेगा। यकीन रखो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। मुझे अंदर ले चल। बच्चों को यही रहने दो। नहीं, नहीं, ऐसे ऐसे सितंबर डाओ, मुझे इनसे जुदा मत करो। ऐसे सितंबर डाओ, मुझे इनसे जुदा। हो नहीं, तमीर हो। Thank you.